पूरा होने के कगार पर है। पिता और पुत्र जो भी आचार्य के लिए एक बार फिर एक दूसरे के साथ प्रीत प्रवेश साझा करेंगे और फिर बिल्कुल तैयार और पूर्व महाशिवा रामचरण और जन्म की विशेषता वाला एक भव्य गीत नियोजित करने जा रहे हैं। इसलिए गाने के लिए एक विशाल समय तैयार कर रहे हैं। गाने में रामचरण की भूमिका ज्यादा दिखाई जाएगी जो उन फैंस के लिए कभी साबित होगी जो उनकी फिर हर रात कभी कभी इंतजार कर रहे हैं। साउथ सुपरस्टार रामचरण की पहली पैन इंडिया फिल्म है। इससे पहले फिल्म स्टार रामचरण प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म जंजीर के साथ अपना बिग बॉलीवुड डेब्यू दे चुके हैं, लेकिन फिल्म आचार्य से रामचरण पर काफी एलिगेशन लगाए गए हैं कि ऐसी खबरें सोशल मीडिया में आजकल आपकी तरफ फैल रही है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वह अन्य प्रोड्यूसर के साथ पैसे बिहेवियर रखते हैं और को उनको प्रोड्यूसर के साथ कोऑपरेशन नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, इसी नोट में फिल्म प्रोड्यूसर निरंजन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और नोट निकाली कि इन सारी एलिगेशंस को खारिज कर दिया गया और इससे ये साफ कर दिया गया कि रामचरण हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं और किसी को कोई भी समस्या उनकी वजह से फेस नहीं करनी पड़ती है। टीम को भले ही रामचरण की वजह से कोई समस्या ना आ रही लेकिन कैमरा पर्सन की तरफ से जरूर आई थी, जिसका खुलासा तब हुआ जब कैमरा पर्सन का ऑडिशन से लिया गया था और वो बीच फिल्म शुरू दौरान हुआ था। दरअसल फिल्म आचार्य के फिलहाल जो कैमरामैन है वह पहले थे और लेकिन पहले उन्हें निकाल दिया गया था और इसकी वजह से सेट में हुआ विवाद। जी हाँ, दरअसल आचार्य के सेट पर कैमरा पर्सन का किसी भी क्रू मेंबर के साथ छोटा सा वाद विवाद हो गया था और सेट का माहौल पूरा खराब हो गया था जो डायरेक्टर पूरा तारा शिवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। आपको बता दें कि डायरेक्टर अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं और उन्होंने गुस्से में कैमरा पर्सन और क्रू को मेंबर से निकाल जाने के कह दिया था, जिसकी वजह से बाकी कैमरा पर्सन ऑडिशन लिए गए थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि वक्त पहले और नसीब से ज्यादा किसी का नहीं मिलता। डायरेक्टर को उन दोनों को निकालते अफसोस हुआ और उन्हें वापस सेट बुलाया गया। भले ही पूरा तारा शिवा अपने काम को लेकर सीरियस हो लेकिन वह दिल से बड़े ही अच्छे और नरम दिल के इंसान है, उन्होंने कई बार प्रूव करा है। इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस फिल्म की और ग्लैमरस दुनिया की नई अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा। We'll be right back.